भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद श्री नैना देवी नकराणा मंडी आईली टरवाड़ सलोवा माकड़ी भाखड़ा पंचायतों में जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया और ग्रामीण लोगों की सुरक्षा हेतु जगह जगह पर मास्क भी बांटे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि महिला कार्यकर्ता मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए मास्क का निर्माण करें और इन मास्कों को राजनीति से ऊपर उठकर हर ग्रामीण को मुहैया करवाएं ताकि कोरोना की इस जंग को जीत सके। रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस समय ग्रामीण जनता अब खेतों में गेहूं की कटाई शुरू कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह इस महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और मास्क लगा करके काम करें ताकि हमारा देश खुशहाल हो और इस महामारी का नाश हो। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर हर पंचायत में उन्होंने मास्क बांटे हैं और लोगों से उन्होंने यही अपील की है कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। स्वारघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते आज पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान में भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा करके देश की जनता को इस महामारी से बचाने का बड़ा सार्थक प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परंतु आगे आगे कई कामों के लिए लोगों को निकलना है, फसल की कटाई होनी है, गहाई होनी है, तो इसलिए लोगों को वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम इस महामारी से बचे उस विषय को जागरूक करने का प्रयास हमने किया है। हर पंचायत में जाकर प्रमुख कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों से मिलकर जहां उनकी जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है, वहीं उन्हें जागरूक किया कि किस तरह हम इस महामारी से बच सकते हैं। लॉकडाउन का पालन करें, आपस में सामाजिक दूरी बनाकर रखें, चाहे हम कोई भी काम करें परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को हम लागू रखें और जब भी घर से बाहर जाएं तो अपना चेहरा कवर करें, चाहे वो रुमाल से करें, चाहे वो चुनरी से करें, चाहे मास्क लगाकर करें। और इस जागरूकता के लिए मैंने अपनी तरफ से सिंबॉलिक तौर पर हर पंचायत हर बूथ में कुछ मास्क बांटे हैं ताकि उनको देखकर जो है हमारे लोग, हमारी महिलाएं स्वयं इनका निर्माण करें और एक आदत बने कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना चेहरा कवर करें, मास्क लगाएं, जो एक आवश्यकता आज इस समय में बनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग इसका पालन करेंगे और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जो भी हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करते रहेंगे।